और नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूं पटना राबड़ी आवास के पास, और यहां पे दो शख्स हैं लोग। इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, किस लिए यहां पे आए हुए, हम इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ज़रा देखिए कि यहां पे इन लोगों के हाथ में एक गोद में एक बच्ची है, छोटी सी लड़का है जो ये लोग लेकर घूम रहे हैं इस पटना के सड़कों पर। क्या वजह है कि आज यहाँ पे घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार। अच्छा, क्या वजह है कि आप लोग आज इस तेजस्वी यादव के पास आए? आज एक जी डॉक्टर के चलते मेरा बच्चा जीवन भर के लिए विकलांग हो गया जी। उसके लिए मतलब मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर आवेदन दिया गया था, जिसकी सुनवाई लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और सिविल सर्जन और कमिश्नर आयुक्त के द्वारा किया गया। इन सभी के द्वारा इन्हें दोषी पाया गया। अच्छा, वो कौन सा डॉक्टर है? निरंजन कुमार मुखिया। कहाँ उनका अस्पताल है? सिमराही बाजार राघोपुर। फर्जी है, किस तरह से उनको इस तरह से आरोप लगा रहे, कैसे उनको? ना तो हॉस्पिटल का लाइसेंस है, ना कोई डिग्री वाले डॉक्टर उसके पास आते हैं। अच्छा, तो उनके द्वारा ये कैसे अपाहिज हो गई? ये मतलब जब इसका मतलब याद में जब वहाँ से डिस्चार्ज किया तो मेरा बच्चा रात में बेहोश हो गया। अच्छा। बेहोश होने के बाद हम अपने बच्चे को फिर फातिमा हॉस्पिटल पूर्णिया ले गए। अच्छा। तो वहाँ पे जो शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चे का शुरुआत में ऑक्सीजन की कमी के चलते इसका ब्रेन हेमरेज हो गया और ये बच्चा मतलब हमेशा के लिए विकलांग। अच्छा, आप लोग पहले नहीं जानते थे कि वो डॉक्टर फर्जी है जो वहाँ पे? हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को बोला गया था कि ये बच्चे मतलब ऑपरेशन सुरजीत कुमार करेंगे, लेकिन उनकी मदद ना लेकर खुद निरंजन कुमार मुखिया इसका ऑपरेशन कर दिया। मतलब जो डिग्री वाले डॉक्टर है उनका मदद ना लेकर अपने से खुद कर? हाँ, अपने से खुद कर। जिसका वजह ये है कि आज बच्चा जो है कि आज ये देख सकते हैं कि कितना दिन का हो गया करीब? ये लगभग 32 महीना 32 महीना का हो गया। तो देख सकते हैं कि ये 32 महीना का बच्चा है, कम से कम ये दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। जबकि इस बच्चा का हालत आप लोग देख सकते हैं कि कितना पतला है और ये चलने लायक भी नहीं है। मुझे लग रहा है बेड पे सोया रहता है हमेशा, ऐसा बेड पर सोया रहता है, मतलब पूरी रात रात नहीं सोता है, पूरी रात भी। अच्छा, इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन भी दिए हैं? हम लोग आवेदन मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाले थे, जिसका मतलब प्रशासन थाना में भी पहले डाले थे, लेकिन उस पर कोई नजर नहीं दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। तो इसके चलते हम चलिए बच्चा को मनाइए, बच्चा रो रहा है। जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? मेरी तो सरकार से यही गुंजाइश है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं निरंजन मुखिया को, जैसे मेरा बच्चा विकलांग हो गया है उसको भी विकलांग करके छोड़ें। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो जिस बच्चा को जो डॉक्टर ने अपाहिज किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए? हाँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। अच्छा, अभी आप लोग तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, क्या आप लोगों को मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं, नहीं मिले, दिन भर हम लोग वेट किए हैं, नहीं मिले, अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, दिन भर देख सकते हैं? नहीं मिलती है, धनबाद में काम करती हूँ मैं। अच्छा, आप लोग धनबाद में काम करते हैं। ये लोग सुबह से आकर यहाँ पे खड़े थे और अभी जो तेजस्वी यादव आए हैं तो उन लोगों उनसे ये लोग मिलना चाहते थे, खैर ये नहीं मिल पाए अभी। और न मिलने की वजह से ये लोग जिस तरह से आए हैं उसी तरह से निराश होकर ये जा रहे हैं वापस। अब देखना है कि जो ये डॉक्टर है उस पर कानूनी तौर से कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।